जब से समझने लगा हूं तब से कांग्रेस में, कांग्रेस के बारे में नहीं सोचा, उसके अलावा सोचा है तो आप लोगों को मेरे से ज्यादा पता है। जनता चाहती है, लोग चाहते हैं, तो उनको भी मौका देना चाहिए। आप दूसरों को अगर मौका नहीं दोगे तो फिर वो उनमें भी निराशा, चुनाव लड़ने की इच्छा लेकिन बाढ़ नहीं सकती, ये सबको बाढ़ में से मुझे पार्टी का आदेश नहीं दिया। आप ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से क्या बता रहे हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के हिसाब से आपको इस जिले को, बाड़मेर जिले को देखना है, सब लोगों को सुनना है। सुनने के बाद में जो आप निर्णय करेंगे उस निर्णय को हम मानेंगे। हम स्वयं हमारे बारे में कोई निर्णय नहीं कर सकते, निर्णय आपको ही करना पड़ेगा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को करना पड़ेगा। टिकटों का भी जब सवाल आता है, निर्णय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से, सेंट्रल लेवल एक्शन कमेटी से होता है, जिसका थोड़ा बहुत मुझे भी दुख रहा है। हर व्यक्ति चाहता है, कार्यकर्ता की बात कही, पार्टी की मजबूती की भी बात मेरे इसको बोल दीजिए, और दूसरे वक्ताओं के लिए हमारे में कोई कार्यक्रम पहले से लिए हुआ था, हरीजी का भी था उसके साथ में, इस वजह से हम देर से पहुंचे, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूँगा। पर पहले से काफी समय से मीटिंग चल रही होती है, आप जी बोलने वाले होंगे तो आपको विस्तार से बताएंगे। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मेरी भी उम्र 70 साल से ऊपर, जब से समझने लगा हूं तब से कांग्रेस में, कांग्रेस के बारे में नहीं सोचा, उसके अलावा सोचा है तो आप लोगों को मेरे से ज्यादा पता है मेरे बारे में। स्वयं मेरे बारे में कुछ कहूँ तो ठीक नहीं, मैं इतना ही कह सकता हूँ कांग्रेस की मजबूती कैसे हो, इसके लिए सब मिल बैठ करके विचार करें। रीजन थ्री का अगर कोई बात है तो उसको मिल बैठ करके परिवार में उसको भी हल करनी पड़ेगी। आप हल नहीं करो, ऐसे ही चलती रहे, उससे अगर मजबूत होती है तो कांग्रेस चलाओ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परिवार है कांग्रेस हमारे, और परिवार इतना बड़ा परिवार है, छोटा सा परिवार होता है, उसमें भी आतंकी बातों को लेकर के मनमुटाव हो जाता है, उसको भी दूर करना पड़ता है, तभी जाकर के वो परिवार आगे चल सकता चलता है। इस प्रकार की बातें आप बना रहे हैं, यहाँ से आप सब लोगों से मिल करके सुन करके अपने बात में जैसा जो भी आदेश देंगे उस आदेश के मुताबिक हम काम करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको इस मौके पर विश्वास देना चाहता हूँ। जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात है, बात तो हम सभी कार्यकर्ताओं करते हैं, कौन ऐसा है MLA, कौन ऐसा है MP, कौन चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है जो कार्यकर्ताओं की बात नहीं करता, बात तो सभी कार्यकर्ताओं का, लेकिन वास्तव में कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती है, उनके काम होते हैं नहीं होते हैं, या आपसी कोई एक दूसरे को मन मुटाव की वजह से उनका कहीं अहित को नहीं होता, ये बातें भी हमको देखनी पड़ेगा। तो मजबूती की बात ठीक, ये भी बात ठीक है, लेकिन कार्यकर्ता भी सोचते हैं कभी हमारे को भी कोई कहीं मौका मिलेगा, ये भी उनकी ख्वाहिश है। पहला चुनाव मैंने 1980 में लड़ा, और अभी भी आगे चुनाव 6 महीनों के बाद। इस तरह से अगर हम लोग हमेशा यही सोचते रहे हैं, जब तक हमारे में सांस है हम जनता की सेवा करें, तो फिर ये सेवा हमें तब तक हम करेंगे, उसके बाद में हमारा परिवार सेवा करेगा। तो दूसरे ये कार्यकर्ता फिर ये क्या सिर्फ सेवा का ही काम करते, कार्यकर्ता का ही काम करते हैं, कभी इनके भी मन में अगर इच्छा होती है और जनता चाहती है, लोग चाहते हैं, तो उनको भी मौका देना चाहिए। आप दूसरों को अगर मौका नहीं दोगे तो फिर वो उनमें भी निराशा है, मेरा ऐसा सोचना है। पहले भी मैंने कोई कई बार ये सोचा कि दूसरों को मौका मिलना चाहिए,
नहीं मिल पाया, पार्टी का आदेश था, इस वजह से चुनाव लड़ना इस बैठे मौजूद जब चुनाव लड़ना तेरह की बात आई थी तो मैंने चुनाव लड़ने से मना किया, नहीं फिर सारी कहने की जरूरत नहीं है। तो कोई चुनाव लड़ना एमएलए बनना ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम जो लोग एमएलए हैं या मंत्री हैं यही कांग्रेस पार्टी के लिए सब कुछ है, बाकी लोग कुछ मायना नहीं रखते, सभी मायना रखते कांग्रेस। अकेले एमएलए बन जाना ये तो एक संयोग की बात है। मैंने कभी नहीं सोचा मेरे जीवन में कि मैं एमएलए बन सकता, कभी सोचा भी विचार भी नहीं, लेकिन फिर भी बन गया 1980 में, और वो भी 1980 में चुनाव लड़ने की इच्छा तो हुई थी मेरी, पर चुनाव लड़ने की इच्छा मेरी बाढ़ से थी, ये सबको पता। बाढ़ से मुझे पार्टी ने आदेश नहीं दिया, पार्टी ने आदेश दिया गुड़ा मांगने से चुनाव, और गुड़ा मांगने से चुनाव मैं नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद और मैं यहाँ से जयपुर गया टिकट मिलने के बाद ये कहने के लिए मैं पूरा मन चुनाव है, वहाँ पर कोई सुनने की स्थिति नहीं है, फिर भी पार्टी का आदेश था तो चुनाव। जब जब भी पार्टी ने जो भी आदेश दिया, जो भी जिम्मेदारी दी, उसको निभाने की कोशिश की, उसको कितना निभा पाया कितना नहीं निभा पाया